बुधवार से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बार फिर से जनसुनवाई शुरू हुई। प्रदेश सरकार के दो मंत्री प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जनसुनवाई करेंगे। मंत्री बीडी कल्ला, सुखराम विश्नोई ने पीसीसी कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा और सचिव देशराज मीणा भी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में प्रदेश भर से सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों ने सभी की सुनवाई की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सप्ताह में 3 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई शुरू हुई है। जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, साथ ही उनके समाधान के प्रयास भी किए जाएंगे। संविदा से संबंधित आज भी कैबिनेट में एक मीमो आया था, वो उस पर जो निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा बीच में मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से एक हमने सर्कुलर निकाला था कि जहाँ जहाँ जिस जिस विभाग में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं और वहाँ वहाँ जो भी वैकेंसीज निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके आधार पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां हुई थी, उनमें 10,000 आदमियों का नियमन लगभग हो चुका है और आगे भी जो नियमित वैकेंसीज निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक देकर के नियमित करने का प्रावधान रखा हुआ है।